एमपी के उज्जैन में महामारी से हो रही मौतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। संक्रमण का दौर ऐसा है कि शहर के अस्पताल पिछले एक महीने से फुल हैं और ऐसे में प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए नए तरीके आजमा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में उज्जैन जिला प्रशासन ने एक और बड़ा आदेश दिया है, जिसमें बेवजह अपनी गाड़ी से शहर में घूमने वालों को पुलिस न सिर्फ गिरफ्तार करेगी बल्कि अस्थायी जेल में भी भेजेगी, बल्कि उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किया जाएगा, जिसके तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस के द्वारा अभी जो जनता कर्फ्यू है उसको प्रभावी ढंग से लॉकडाउन कराने के लिए एक नया अभियान आज से शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक तिराहे चौराहे पर जो हमारी पुलिस की टीम है उनके द्वारा सभी वाहन चाहे वो दोपहिया वाहन है चार पहिया वाहन है उनको रोक के चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल इमरजेंसी हैं या जो ऐसी सेवाएं हैं जो इस दौरान कोविड के दौरान जिनकी सेवाएं की आवश्यकता है आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़ करके कई ऐसे लोग जो अकारण घूमते पाए गए हैं उनके वाहन मौके पर ही जब्त किए गए हैं और इन वाहनों को जब्त करके अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और इनका जो सुपुर्दगी है या जो इनकी वापसी है वो माननीय न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। कुछ लोगों के ऊपर में 151 की कार्रवाई भी की गई है, इसके अलावा स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी मौके पर की जा रही है। तो अब तक लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों को पकड़ा है और ये अभियान अभी रोजाना इसमें जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।